सोलन में आयोजित हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध गायक दीपक चौहान और अजय चौहान ने अपने सुरों से उपस्थित जनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बगाहट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोलन में आयोजित हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या सुप्रसिद्ध मुख्य गायक दीपक चौहान और अजय चौहान के नाम रही। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बगाहट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में नौहराधार की लोक गायिका रीना चौहान ने बेहतरीन पहाड़ी गीतों पर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इसके उपरांत स्कूलों की नृत्य प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल, बीएल स्कूल, ग्लोबल जीनियस स्कूल, यूरोकेट्स, टैगोर स्कूल, सेंट ल्यूक स्कूल, गीता आदर्श विद्यालय के बच्चों ने खूब मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में सुप्रसिद्ध मुख्य गायक दीपक चौहान और अजय चौहान ने एक से बढ़कर एक हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीतों की प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि पवन गुप्ता ने बताया कि वे पिछले काफी वर्षों से हिमाचल उत्सव से जुड़े हैं और लगातार इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल उत्सव में जहां पंजाब हरियाणा के कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे कलाकारों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। आज माँ शूलनी के नगर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में 17वां हिमाचल उत्सव की दूसरी संध्या है और इसमें आज मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इस हिमाचल उत्सव में लगातार पिछले जब से ये शुरू हुआ तब से इसमें भाग ले रहा हूँ और मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि ऐसा अच्छा एक कार्यक्रम सोलन में हो रहा है जिसको देखने का। और इसको मैं ये मानता हूँ कि तीन लोगों ने जो ये शुरू किया था हिमाचल उत्सव, मुकेश शर्मा, पंकज सूद और कीर्ति कौशल जी ने, और उनकी पूरी टीम आज जो भव्य रूप इसको दिया है, जो माँ शूलनी का मेला जो जून में होता है उसको बराबर उसके बराबर ये काम कर रहा है। इसमें सांस्कृतिक संध्याएँ भी हो रही हैं, फूड पार्क भी है, शॉपिंग कम्प्लेक्स भी है, साथ में झूले हैं और कुछ राजस्थान के जो जिनको जहाज बोलते हैं ऊंट भी इसमें शामिल किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।